हेलो दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग के लिए लेकर नई वीडियो। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, टाटा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, जो है दोस्तों पंतनगर में एक प्लांट है दोस्तों, जो गुजरात में एक प्लांट है। तो दोनों प्लांट मिल के दोस्तों ये कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो दोनों जगह आप लोग को जॉब लोकेशन दिया जाएगा, पंतनगर में भी दिया जाएगा दोस्तों, और जो है दोस्तों आपका गुजरात में भी दिया जाएगा दोस्तों। दोनों प्लांट में दोस्तों अलग अलग ईयर के लिए आपको लिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको पंतनगर में 2 साल के लिए भर्ती के लिए लिया जा रहा है, और आप अगर गुजरात प्लांट में जाते हैं दोस्तों तो उसमें आपको 3 साल के लिए लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जिसमें आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं दोस्तों। मैं पूरा डिटेल्स में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बता दूंगा कि कौन सी कंपनी में आपको जाना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों दोनों प्लांट में अलग अलग आपका सैलरी दिया जाएगा दोस्तों, अलग अलग बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो है गुजरात प्लांट में आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 12,850 रुपये पर मंथ दोस्तों इसमें सैलरी दिया जाता है, जो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा इसमें आपको सैलरी दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि अभी आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फ्रेशर के लिए दोस्तों किसी भी कंपनी में ज़्यादा सैलरी नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ा कम दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आपका 1 साल काम किया हो जाएगा, 1 साल पार हो जाएगा दोस्तों, वैसे ही आपका थोड़ा बहुत जो है सैलरी इंक्रीज होते जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपको 3 साल के लिए लिया जा रहा है तो 3 साल में आपका दोस्तों सैलरी 1,000 या 1,500 रुपये करके इंक्रीज होते जाएगा, ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, ऐसे मौके को आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों, आप लोग जाइए दोस्तों इसमें। क्योंकि दोस्तों आप लोग इसमें अगर 3 साल काम करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, 1 साल का अप्रेंटिस का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपका सारा कुछ कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें आप अगर 3 साल अच्छे से काम करते हैं दोस्तों तो फिर जो है दोस्तों इसमें आपको उसी कंपनी में रख लिया जाता है, ये आपका बेनिफिट्स होता है। लेकिन दोस्तों आपको 3 साल अच्छे से काम करना पड़ेगा, आपका फीडबैक अच्छा होना चाहिए, तभी आपको कंपनी रखती है दोस्तों, नहीं तो आपको नहीं रखती है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों आप अगर मैं चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए दोस्तों, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी जाती है, यार्ड संबंधित जितनी भी जानकारी आती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोग को दे जाते हैं। चलो उससे चलते हैं टाटा कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों देख सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी हम दिया गया टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये जो कंपनी दोस्तों एक पंतनगर में है और एक गुजरात में दोस्तों। तो दोनों प्लांट में से कभी आपका जॉब लोकेशन दिया जाएगा दोस्तों, दोनों प्लांट में एक भर्ती निकाली है। अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम नीचे चल के क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है वो आईटी पास आउट कैंडिडेट को दोस्तों इसमें लिया जा रहा है, ओनली सिर्फ जो है आईटी पास स्टूडेंट ही इस कैंपस में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। जो आईटी ट्रेड यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, टेक्नीशियन, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग। जो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों, ये दोस्तों जो है जो सुजुकी मोटर है या हो गया टाटा मोटर्स हो गया, वो कंपनी द्वारा जो आईटीआई करवाया जाता है उन्हीं को दोस्तों जो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड मिलता है, बाकी अदर स्टूडेंट को नहीं मिलता है दोस्तों। कॉलेजों में बहुत कम ये मिलता होगा ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 23 ईयर्स रखा गया, जिनका 18 से 23 वर्ष तक है वही केवल इसमें भाग लेकर जॉब पा सकते हैं, ना आपका 18 से कम होना चाहिए, नहीं 23 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना ट्रेड भी देख लीजिएगा दोस्तों, अपना अपना एज लिमिट भी काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद कैंपस पर सुने जाइएगा, ताकि वहाँ पर जाने बाद कोई दिक्कत ना आप लोगों को दोस्तों। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो इसमें अप्रेंटिसशिप आपको करवाया जाएगा दोस्तों, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आपको इसमें पहले लिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जॉब लोकेशन जो रहने वाला पंतनगर प्लांट या गुजरात प्लांट, दोनों में से कहीं भी आपका जॉब लोकेशन दिया जाएगा। ड्यूरेशन टाइम आपको यहाँ पे पंतनगर में 2 साल के लिए लिया जाएगा, और गुजरात वालों में 3 साल के लिए दोस्तों आपको लिया जाएगा। जैसे कि 3 साल में आपका 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, अप्रेंटिस के साथ भी एक एक्सपीरियंस दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें अगर 3 साल काम करते हो तो अच्छा है कि आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, उसके बाद अच्छे से अगर 3 साल काम करते हो तो उसी कंपनी में आपको रख लिया जाता है दोस्तों। पंतनगर में आपको 2 साल के लिए रखा जाता है दोस्तों, पंतनगर और जो गुजरात में है दोस्तों। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं कि दोनों प्लांट में कितना अभी आपको सैलरी दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सैलरी बेनिफिट्स जो टाटा मोटर्स पंतनगर में है उसमें आपको 11,624 रुपये पर मंथ आपको दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें ओटी चलता है। और टाटा मोटर्स जो गुजरात में दोस्तों इसमें आपको जो है 12,850 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों, मोर बेनिफिट्स एज पर कंपनी रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा दोस्तों। जो भी बेनिफिट्स बनेगा आपका जैसे कैंटीन बस, पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब जो है दोस्तों आपको कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। तो सैलरी दोनों में ही अच्छा दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पहले अप्रेंटिसशिप के लिए लिया जा रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा कम ही सैलरी इसमें मिलेगा, उसके बाद आपका जो सैलरी इंक्रीज होगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों वो अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10-12 का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट, फोटो, चार कॉपी कलर वाला, और इन सब डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरॉक्स कॉपी भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, ताकि वहाँ पर जाने बाद कोई दिक्कत ना आप लोगों को।
और दोस्तों उसके साथ वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। डेट ऑफ कैंपस प्रोशन की बात कर लेते हैं, तो 20 अक्टूबर 2022 को कैंपस प्रोशन लगाने के लिए जा रही है। सुबह 9:30 बजे आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है पर देख सकते हैं, कैंपस इंटरव्यू एड्रेस वेन्यू दिया गया दोस्तों, जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कपलोग जो है। तो जय दोस्तों, आप लोग इस कैंपस प्रोशन में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो चाहते वीडियो को लाइक शेयर में दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस कैंपस प्रोशन के बारे में पता चले। और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।